जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं और थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और 105 प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। मित्रों, हम लोग आज 106 नंबर के प्रश्न से आगे बढ़ेंगे और 106 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम से बनी हुई है। मदर गॉडेस का मतलब है कि मातृ देवी की मूर्ति, जिन्हें उर्वरता की देवी के रूप में भी जाना जाता है। हमने आप सभी को दिखाया था ये मूर्ति, ये मदर गॉडेस की मूर्ति है। इन्हें इस मूर्ति का निर्माण टेराकोटा से किया गया है और इन्हें उर्वरता की देवी के रूप में जाना जाता है और ये लगभग सभी सिंधु घाटी स्थलों में ये पाई जाती हैं। ये बिल्कुल अनगढ़े ढंग से बनी हुई हैं और नग्न मूर्ति है। कंठहार पहने हुए है और कटवस्त्र पहने हुए हैं और मूर्ति सर में मुकुट भी पहने हुए हैं। तो मदर गॉडेस की मूर्ति हम लोगों ने देखा टेराकोटा से बनी हुई है और टेराकोटा मतलब मिट्टी से निर्मित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और 107 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, पुजारी पुजारी मतलब राजा पुरोहित के वस्त्र आकार की प्रतिमा में अंकित साल पर पाए जाने वाले अलंकरण का पहचान किसके रूप में किया गया है। ये त्रिफुलिया आकार में बनी हुई ये साल पहने हुए है ये पुजारी। चलिए आगे देख रहे हैं प्रश्न संख्या 108 की ओर। 108 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, देवी मतलब मदर गॉडेस का सबसे विशेष विशेषता क्या है। सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इन्होंने अपने सर पे पंखे नुमा आकार की टोपी पहने हुए है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए प्रश्न संख्या 109 की ओर चल रहे हैं। 109 नंबर प्रश्न कह रहा है, पशु आकृति युक्त मुहरें कहाँ से पाई गई हैं। तो पशु आकृति युक्त मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे इसकी थ्योरी को तो बताया था कि मोहनजोदड़ो मूवी बनी है, उसमें ये सभी चीजें दिखाई गई हैं। 110 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ संग्रहित है। तो ये दोनों आपका दिल्ली में संग्रहित है। हमने जब ये नर्तकी की मूर्ति बताया था कि दिल्ली में संग्रहित है, न कि आपका पाकिस्तान में। चलिए 111 नंबर प्रश्न आपके सामने, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो आप सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। जैसे कि ये सिंधु नदी है तो सिंधु नदी के पश्चिम में ही है मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो ये कई जगहों पे अलग अलग दिया हुआ है लेकिन ज़्यादातर 17.5 सेंटीमीटर माना जाता है और ये मतलब 6.95 इंच है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं गलत है। 113 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो किस देश में मौजूद है। पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पे। 114 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि हड़प्पा काल की नृत्य करती लड़की किस माध्यम से बनी हुई है। तो सोना चांदी नहीं, मिट्टी से भी नहीं, धातु से, कांस्य धातु से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में स्थित है। और तो पाकिस्तान में है तो भारत वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। पाकिस्तान इस्लामाबाद में ना होकर के सिंधु सिंध में है। सिंध एक प्रांत है वहाँ का, पाकिस्तान का, वहीं पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न कह रहा है, अच्छा 16 नंबर प्रश्न भी पहले कर लेते हैं सॉल्व। 116 नंबर प्रश्न कह रहा है, मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी पुजारी राजा का वक्ष किससे बना हुआ है। दिए गए विकल्पों में पहचान करें, तो ये सेलखड़ी पत्थर से बना हुआ है। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है। तो दुसाला ओढ़े जो योगी हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। वही तिपतिया आकार का, तिफलिया आकार का जो पुजारी है उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। दुसाला ओढ़े योगी, योगी वही है ना, आंखें आधे मूंदी हुई है। 118 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है,
मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो स्तूप का निर्माण ये कुषाण काल में हुआ। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। आप मोहनजोदड़ो मूवी देख लेंगे तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी बनी हुई है? तो प्रथम कांस्य प्रतिमा नृत्यांगना की बनी हुई है, नग्न नेत्रांगना है और बाएं हाथ में उसने चूड़ी पहने हुए है और दाएं हाथ में ताबीज और कंगन पहने हुए हैं। 121 नंबर प्रश्न कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहरे, पशुपति मतलब कि चारों ओर पशु हैं और वो तीन सींग वाले मुहर पहने हुए हैं, की आकृतियों को दर्शाया गया है पशुओं से घिरे हुए योगी शिव के रूप में। हाँ ये बात सही है। खड़ी हुई पुरुष आकृति नहीं मिली है, ब्राह्मणी ऋषभ की आकृति नहीं, जानवरों की आकृति नहीं मिली है, पशुओं से घिरे हुई योगी शिव की आकृति मिलती है। 122 नंबर प्रश्न कह रहा है, ढोकरा विधि संबंधित है, ढोकरा विधि आपका ब्रॉन्ज कॉस्टिंग से संबंधित है। 123 नंबर प्रश्न, डांसिंग गर्ल या नृत्यांगना महिला मूर्ति नामक मूर्ति किस संग्रहालय में है? तो ये आपका नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। 124 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले शिव कौन से प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला का अवशेष है? तो ये मोहनजोदड़ो से ये सभी प्राप्त किए गए हैं। 125 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृतक धड़ किससे संबंधित है? तो ये कांस्य से बना हुआ है और नृतक धड़ ये टेराकोटा से बना हुआ है। 126 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब डायमेंशन के बारे में पूछ रहा है, क्या है? तो ये 1170 गुणते 690 गुणते 240 मीटर इसका डायमेंशन है। 2 ऑप्शन सेम है तो ए और बी इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए 127 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृति अधिकांशतः किससे संबंधित हैं? तो वन्य जीव से नहीं, राजाओं से नहीं, ग्रामीण वर्ग से नहीं, ये उच्च वर्ग से संबंधित है। 128 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई? ये कांसा से बनी हुई है। तो 128 का ऑप्शन नंबर 1 कांसे से बनी हुई है सही है। 129 नंबर प्रश्न कह रहा है, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो ये सिंधु नदी के तट पर पश्चिम तट, सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। 130 नंबर प्रश्न कह रहा है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या मृतकों का स्थल। 131 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मुहरें किससे बनी हुई हैं? तो ये सेलखेड़ी से बनी हुई हैं, काष्ठ से कोई मूर्ति नहीं बनी हुई है, कांस्य से नृत्यांगना की मूर्ति बनी हुई है और पकी हुई मिट्टी से आपका मातृदेवी की मूर्ति बनी हुई है। तो ये सेलखेड़ी से वृषभ मुहरें बनी हुई हैं, वृषभ मतलब बैल। 132 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक अथवा मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री किससे बनी हुई है? तो ये कांस्य से बनी हुई है खड़ी हुई स्त्री की मूर्ति। 133 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक से ढाली गई हैं? तो ये आपका मोम निकालकर बनाने की विधि से, सबसे पहले एक मिट्टी का स्टैचू बनाते थे, सबसे पहले एक मोम का स्टैचू बनाते थे, मोम के स्टैचू के बाहर मिट्टी का लेप लगाते थे जिससे कि उसके बाद उसको सुखा देते थे, सूख जाने के बाद गर्म करते थे तो मोम निकल पिघल कर बाहर आ जाता था, तो वो जो एक सांचा बन जाता था मिट्टी का उसी में फिर कांस्य पिघला कर डालते थे और वो मोम के आकार में वो कांस्य मूर्ति बन जाती थी, तो उसे कहते हैं मोम निकालकर बनाने की विधि। मोम एक स्टैचू बना लेते थे मोम की और उसको उसके चारों तरफ मिट्टी लगा लेते थे जिससे कि कुल मिलाकर के एक स्टैचू इस तरीके से बन जाए, एक फ्रेम बन जाए, और फ्रेम को गर्म करते थे तो मोम पिघल जाता था, बीच में अब खाली स्थान बन गया, तो खाली स्थान में अब क्या करते थे, कांस्य को पिघला हुआ कांस्य को डाल देते थे, तो इस विधि से बनता था मोम निकाल कर।
चलिए अब बात कर रहे हैं 134 नंबर प्रश्न की। 134 नंबर प्रश्न कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृदेवी किस सामग्री से बनी हुई है? तो ये मृण मूर्ति, मृण मूर्ति मूर्ति मतलब मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, और इसे टेराकोटा भी कहते हैं। 135 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, 135 नंबर प्रश्न कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी मतलब डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो मिट्टी से नहीं, पत्थर से नहीं, लकड़ी से नहीं, ये कांस्य से बनी हुई है। 136 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, शिवा मुहर कहाँ से मिली है? तो शिव मुहर आपको मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। 137 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, शिवा मुहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है? तो शिवा मुहर पे, शिवा मुहर मतलब वो जो आपको हमने दिखाया था एक मूर्ति तिपत मतलब पशुपतिनाथ की, उसी को शिवा मूर्ति के नाम से जाना जा रहा है। ये आपका शिवा मूर्ति के रूप में जाना जा रहा है, ठीक, इसी को शिवा मूर्ति कह रहे हैं, पशुपतिनाथ की मूर्ति। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे शिवा मूर्ति के बारे में कि शिवा मुहर पे इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है। तो हमने देखा उसमें भैंसा, गैंडा, भैंसा, हाथी सब बने हुए थे, लेकिन घोड़ा और गाय उसमें नहीं बना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, घोड़ा उस पर नहीं बना हुआ था। तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रश्नोत्तरी और सभी थ्योरी पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं, द एंड हो गया है। और अब परीक्षा में इससे बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तो चलिए मित्रों, हमने आपके इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कराया और इसमें सभी प्रश्नोत्तरी को सॉल्व किया। तो मित्रों, हम लोग मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, संभवतः एक आध दिन का गैप हो जाए क्योंकि अभी उसके कंटेंट को क्लियर करना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।